प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने पढ़ा था अलंकार का अर्थ, परिभाषा और अनुप्रास अलंकार। आज हम फिर अलंकार का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम यमक और श्लेष अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत यमक एवं श्लेष के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको यमक अलंकार के उदाहरण के बारे में बताते हैं। पहली पंक्ति है उदाहरण की, कहत सबे बेंदी दिए अंक दस गुनो होत। उसके बाद दूसरी पंक्ति देखिए बच्चों, तिये लिलार बेंदी दिए अग्नित बढ़त उदोत। ये हमारे पाठ्यक्रम में बिहारी के दोहे से ली गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने दो रंग में बेंदी लिखा है और इसका अभिप्राय है कि बेंदी शब्द दो बार आया हुआ है। अब हम इन बेंदी शब्द का अलग अलग अर्थ आपको बताते हैं। एक बिंदी का अर्थ है शून्य। क्या है बच्चों? एक बिंदी का अर्थ क्या है? शून्य, जीरो। और पहली पंक्ति का अर्थ देख लो साथ में, कहत सबे बिंदी दिए अंक दस गुनो हो। किसी भी अंक के पीछे अगर बिंदी शून्य, जीरो लगा दिया जाए तो उसकी कीमत, मूल्य दस गुना बढ़ जाती है। देखो, एक था, एक के पीछे मैंने क्या लगाया? जीरो। इसकी कीमत क्या बन गई? दस। एक से क्या बन गया? दस। इसका मूल्य कितने गुना बढ़ गया? दस गुना। ये हो गया पहले बेंदी शब्द का अर्थ। अब तिये लिलार बेंदी दिए अग्नित बढ़त उदोत। प्यारे बच्चों, अब हम इस बेंदी शब्द के अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं और इस बेंदी शब्द का अर्थ है माथे की बिंदी। तिये लिलार बेंदी दिए, अगर माथे पर एक औरत उस बिंदी को लगा लेती है तो उसकी बहुत अधिक सुंदरता बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या है? माथे की बिंदी। उदाहरण देखो बेटा, ये आ गई माथे की बिंदी। और एक चित्र आ रहा आपके समक्ष है, इसमें नारी ने, औरत ने के माथे पर बिंदी नहीं है, अर्थात बिना बिंदी का इसका मुख देखने में हमें सुंदर नहीं लग रहा है। अगर हम इस बिंदी को इसके माथे पर लगा दें तो इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो दूसरा अन्य छाया चित्र जो आपके समक्ष प्रस्तुत है वो है माथे पर लगी हुई बिंदी। अर्थात अब आप खुद ही तुलना कर लीजिए कि इस छाया चित्र में और इस छाया चित्र में क्या फर्क है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि माथे पर लगी हुई बिंदी वाली नारी अधिक सुंदर है, तो
तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्यारे बच्चों, तो अब हम इसकी परिभाषा पर जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया बेंदी का अर्थ एक शून्य जीरो, बेंदी का एक अर्थ क्या है माथे की बिंदी। जिस रचना में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों वहां पर यमक अलंकार होता है। तो पता लग गया यमक अलंकार की परिभाषा क्या बनेगी, जिस रचना में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे आपको उदाहरण समझा दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने स्पष्टीकरण भी दिया है, उपरोक्त उदाहरण में बेंदी शब्द दो बार प्रयोग में आया है और इसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। प्रथम पंक्ति में बेंदी का अर्थ क्या लिया हमने, शून्य, और द्वितीय पंक्ति में बेंदी का अर्थ क्या लिया, नायिका के माथे पर लगी बिंदी। तो ऊपर वाली परिभाषा पूरी तरह लागू हो गई, सटीक है, इसलिए अतः यमक अलंकार है। अब प्यारे बच्चों, हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट अलंकार, जिसको आज हम पढ़ेंगे वो है कौन सा, उन अन्य उदाहरण देखते हैं बेटे। पहला अन्य उदाहरण में है यमक अलंकार की, अन्य उदाहरण देखते हैं, इसमें है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। तो यहां पर कनक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, एक कनक का अर्थ क्या हुआ बेटा सोना, और दूसरे कनक का अर्थ क्या हुआ धतूरा। अन्य एक और उदाहरण को देखते हैं हम बच्चों, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, करका मन का डारी दे मन का फेर। अब यहां पर भी मन का शब्द दो बार प्रयोग हुआ है और इन दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। एक मन का अर्थ है माला और दूसरे मन का शब्द का क्या अर्थ हुआ हृदय। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तीसरी उदाहरण हम देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, घटा काली घटा मतलब काली घटा बादल, तो बादल का क्या घटा का एक अर्थ क्या हो गया बादल, और घमंड घटा, घमंड घटा मतलब किसी व्यक्ति का घमंड कम होना, अर्थात घमंड कम होना। तो इन तीनों उदाहरण में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। तो प्यारे बच्चों, ये बादल है। प्यारे बच्चों, हम आगे श्लेष अलंकार के ऊपर चर्चा करेंगे। श्लेष के उदाहरण देखते हैं पहले, मांगन को देख पट देत बार बार। आप देख रहे हैं पट शब्द अन्य रंग से रंगा हुआ है। यहां पर पट शब्द के दो अर्थ हैं, एक पट का अर्थ है वस्त्र और एक पट मतलब इसी पट के दो अर्थ हो गए, एक वस्त्र दूसरा दरवाजा। तो एक पट का अर्थ हुआ वस्त्र और दूसरा क्या अर्थ हुआ दरवाजा। मैंने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो के माध्यम से पट शब्द के अर्थ को समझते हैं। तो देखें बच्चों, मांगन को देख पट देत बार बार, पट वस्त्र, भिखारी मांगने आया और घर के मालिक उसे बार बार क्या दे रहे हैं वस्त्र।
तो देखो ये भिखारी वस्त्र लेकर चल पड़ा है। अब दूसरे जो इसी पट का अन्य अर्थ है वो दरवाजा है। भिखारी देख रहे हैं दरवाजे पर खड़ा है, और इस वीडियो के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि जब भिखारी दरवाजे के पास जाता है तो घर के मालिक बार बार दरवाजे को बंद करते हैं। वीडियो देखें बच्चों, ये देखें, भिखारी गया, दरवाजा खटखाया, ये देखिए बार बार क्या हो रहा है, दरवाजा बंद हो रहा है। तो पट शब्द के दो अर्थ हो गए, वस्त्र और दरवाजा। प्यारे बच्चों, श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकाना। चिपकना, जहां पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो या दो से अधिक अर्थों का बोध कराता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण मैंने आपको समझा दिया, अब क्या है, एक शब्द दो से दो अधिक अर्थ हो गए। शब्द एक है, पट, वस्त्र और दरवाजा। तो प्यारे बच्चों, उपरोक्त उदाहरण में पट के दो अर्थ हैं, का वस्त्र और खा दरवाजा। पहला अर्थ है, राम किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है। और दूसरा अर्थ है, राम याचक मतलब भिखारी को देखते ही दरवाजा बार बार बंद कर लेता है। अतएव यहां क्या हुआ, श्लेष अलंकार। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने श्लेष अलंकार पर चर्चा की। अब अन्य उदाहरण श्लेष अलंकार के हम देखते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। प्यारे बच्चों, यहाँ पर द्वितीय पंक्ति में पानी शब्द आया है और इसके तीन अर्थ हैं। मोती के लिए चमक है, इस पानी का अर्थ मोती के लिए क्या है, चमक है। मनुष्य के लिए आत्मसम्मान, और चूने के लिए जल है। ये देखिए, मोती के लिए चमक और आत्मसम्मान, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हमारे हैं, और ये हमारे जल है। तो इस प्रकार से हमने चमक, आत्मसम्मान और जल के लिए इस पानी शब्द का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।